हाय, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियोस में हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लर्न कर लिया है। तो चलिए आज इन्हीं की प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी, पहले आप अपनी मेरी वीडियो को पॉज कीजिए कुछ मिनट्स के लिए, जितना भी टाइम आपको चाहिए। सेंटेंस नोट कीजिए और खुद बिना वीडियो देखे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए, क्योंकि जो भी मैंने यह सेंटेंसेस लिखे हैं एक्टिव वॉइस के, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के ही हैं, जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज इन 10 सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिखूंगी आपके और आपसे सॉल्व करवाऊंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, और चेक कीजिए कितना सही है। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी मिस्टेक आती है आपकी मेरे बताने के बाद, तो मेरी दोबारा उन तीनों वीडियो पर जाइए और देखिए क्या रूल्स, किसमें आपने समझने में मिस्टेक कर दी है। और नहीं समझ आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑन माय वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ इंडेफिनेट वॉइसेस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ही गेव मी अ बुक। मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको। पहले ये पहचानिए ही गेव मी अ बुक कौन सा एक्टिव वॉइस या कौन सा टेंस है। ये इसमें सेकंड फॉर्म लग रही है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका हम एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं, पैसिव वॉइस भी पढ़ चुके हैं, टेंस खुद ही एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसने मुझे एक किताब दी, इसकी हिंदी ये हो गई। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाइए, पैसिव वॉइस में उसने मुझे एक किताब दी, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले आप देखिए, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट शुरू होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी और अबू। तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट ले, मैंने आपको बताया था कुछ मत देखिए, किसी किसी में आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है सेंटेंसेस में, उसका एक्स्ट्रा पार्ट लगा होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कौन सा। तो आप मेन वर्ब देखिए, उसके पास आपको तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये इससे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं बस एक ही रूल फॉलो कर रही हूं आपके लिए। मेन वर्ब देखिए, उसके पास वाला ऑब्जेक्ट देखिए और उसे ही सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हुए बताइए। इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज होगा, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है, जाकर देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिखा जाता है ही गेव मी अ बुक, ठीक है। अब मी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आई, सॉरी सब्जेक्टिव केस, मी तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आई। क्या रूल होता था पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी, वॉज या वर, और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज। इसके बाद क्या आता था मेन वर्ब में, सब में थर्ड फॉर्म आती थी, ये तो पैसिव वॉइस का रूल है, मेन वर्ब में कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, किसी टेंस में आपको देखना ही नहीं है। आई वॉज थर्ड फॉर्म गिविंग, ठीक है। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आप लिख दीजिए, I was given a book by him. अबे him कहाँ से आ गया? मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे बहुत अच्छे बच्चे हो, सबको लर्न हो गया होगा। जब भी हम सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, और he का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, him। तो अब इसका क्या हो जाएगा, he gave me a book, I was given a book by him. Did my brother sell a house yesterday? Sorry, sell a horse yesterday? क्या मेरे भाई ने कल एक घोड़ा बेचा? Again past indefinite. और सबसे पहले did इसकी helping verb है, तो उससे आप समझ गए होंगे past indefinite tense है। फिर से आप इसका passive voice बनाइए, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये single interrogative है, तो हमेशा single interrogative तो उससे स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पर डिड से स्टार्ट होगा ये, नहीं हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट होते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, उसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ना कि एक्टिव वॉइस की। तो अच्छा, यहाँ पर हमने लगा दिया वॉज।
अच्छा हमको वॉज या वर्ब में से कौन सा लगाना है? आप यहाँ पर ये देखिए, हम ये जो ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब ये थी और उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है। देखिए कभी कभी यस्टरडे, आप बिल्कुल भूल जाइए, जो एज इट इज है सब ऐसे ही लगाना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंसेस का। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब और उसके पास क्या लगा है ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की जगह रखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी लाइफ। वॉज अब आ हॉर्स, अब यह वॉज लगाऊं या वर्ड तो एक बार चेक कर लीजिए, आ हॉर्स सिंगुलर है तो वॉज इज करेक्ट, ठीक है, वॉज अ हॉर्स। इसके बाद क्या आता है यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अच्छा सेल की थर्ड फॉर्म, सोल्ड, वॉज अ हॉर्स सोल्ड। अच्छा अब इसके बाद सब्जेक्ट बाय का यूज करके, बाय माई ब्रदर हो गया। अब वॉज अ हॉर्स सोल्ड बाय माई ब्रदर, क्योंकि यही आता है ना स्ट्रक्चर, यही होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, और क्या बच गया यस्टरडे, बच गया तो यस्टरडे और लगा दीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। क्या मेरे भाई ने एक घोड़ा बेचा? माई ब्रदर पूरा का पूरा है, सब्जेक्ट है, इसलिए हम इधर ले आए हैं माई ब्रदर, अलग अलग नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, क्या एक घोड़ा मेरे भाई के द्वारा बेचा गया? गया, ये हमारी जो वॉइस निकलती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया भी है। अगेन वी मेड हिम अवर लीडर, कौन सा टेंस है ये? फिर से पास्ट इंडेफिनिट आ गया, सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, हमने उसे अपना लीडर बनाया, ठीक है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। अब इसमें भी देखिए हिम अवर लीडर क्या ऑब्जेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, मेन वर्ब देखिए मेड, मेड के बाद क्या हिम ले आए इधर, लेकिन हिम को अगर सब्जेक्ट की जगह लाना है, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस पे बनाना पड़ेगा, हिम का क्या होगा, जब ही का हिम होता है तो हिम का ही। मैंने इसमें हर तरह के आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो इट मींस आपको अच्छे से आ गए। ही, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, यहाँ तो वॉज ही के साथ तो वॉज लगेगा, अब इसके बाद मेन वर्ब मेड की तो मेड ही रहेगी, मेक मेड मेड, ही वॉज मेड आवर लीडर। देखिए ये वाली बात हो गई ना, जैसे इसमें हमने मेन वर्ब के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट एज इट इज रख दिया था, ऐसे इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट एज इट इज रख देंगे, ही वॉज मेड हमारा काम तो हो गया। अब हमें इसमें दो दो ऑब्जेक्ट को जरूरत करनी नहीं, केवल एक ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी हो, ही वॉज मेड अवर लीडर बाय, अच्छा नया केस बी का अस, वेरी गुड, सब स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, वह लीडर बनाया गया हमारे द्वारा, यही वॉइस होती है। Why did you not select him your captain? अरे बाप रे, did फिर से past indefinite, अरे वही तीनों tenses learn करे हैं, ये past indefinite ही आए जा रहे हैं, और tenses तो learn ही नहीं कर पा रहे, उनका तो revision आएंगे, आएंगे सारे tenses। देखिए, why did you not select him your captain? अच्छा why का why question word, इसके बाद क्या आता है helping verb, लेकिन did मत लिख देना, was और were होती है इसकी, why was, अब आ जाओ आप, उसमें सब्जेक्ट लगाए यहाँ पर यू, तो उसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, व्हाई डिड यू नॉट सिलेक्ट हिम योर कैप्टन, बस सिलेक्ट यहाँ पर है हमारी मेन वर्ब, इसके पास ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला हमें तो इससे ही मतलब है, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह एडवर्ब कुछ प्रपोज ऐसा लग जाता है, उसको हम ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं, जो कि गलत हो जाता है, इसलिए मैंने बोला है आपको मेन वर्ब के पास वाला देखिए। अच्छा हिम, हिम का क्या हो जाएगा, ही, अभी अभी ऐसा केस आया है, व्हाई वाज ही, अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, व्हाई वाज ही नॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिलेक्टेड, व्हाई वाज ही नॉट सिलेक्टेड योर कैप्टन, सेकेंड ऑब्जेक्ट एज इट इज बाय यू, अब यू का कुछ चेंज नहीं किया, क्यों भाई, क्योंकि यू जो है ना
वो सीधा साधा सा है, यू कुछ भी चेंज नहीं करवाता, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है इनका दोनों में केस, सबसे इजी है। व्हाई डिड यू नॉट सिलेक्ट हिम योर कैप्टन, तुमने उसे अपना कैप्टन क्यों नहीं सिलेक्ट किया। हिंदी में देखिए ये है एक्टिव वॉइस, और पैसिव में वह तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कैप्टन क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, तुम्हारे द्वारा उसको अपना कैप्टन क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, गया लेकिन गो एंड वाला नहीं है, मैं बता चुकी हूं। विल ही राइट अ लेटर, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, इसमें कुछ भी डिटेल आपको जानना हो मेरी वीडियो में जाइए, तुरंत आपको मिलेगा। विल ही राइट अ लेटर, अभी अभी ला गया, हो गया पास्ट इंडेफिनिट, अब आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या वह एक पत्र लिखेगा, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। चलिए आ जाते हैं, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, तो विल का तो विल हो गया। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं, विल और बी। ठीक है, तो देखिए कैसे लगती है, लेकिन इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती तो सब्जेक्ट के बाद लगाते, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट के बाद सेकंड वाला पार्ट लगाएंगे, यानी वी लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, तो विल भी एक साथ नहीं आएगा। ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर में पूरा बता चुकी हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट में, अगर आपको उसमें समझ नहीं आता है तो जाइए, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कोई चीटिंग नहीं। पहले ये सब आप नोट करिए, मेरे सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस में लिखूंगी, उसके बाद 10 सेंटेंसेस नोट करने के बाद दोबारा अपने आप करिए, फिर दोबारा मेरी वीडियो से चेक करते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल अ लेटर, अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट तो उधर आ जाएगा, बिल अ लेटर बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म, मुझे होप है कि आप लोग मुझसे पहले लिख रहे होंगे, विल अ लेटर बी रिटन बाय, और ही का, अरे ही तो बहुत ही आ रहा है हमको, तो अब लर्न हो गया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, अब ये वाला देखते, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कौन सा टेंस है डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें तो मैं एक्सपर्ट है, पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बस एक्सपर्ट कीजिए। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग, क्या अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं, जब पास्ट में वॉज वर्ब इसमें इज आ रहा है, स्वीट सॉन्ग के साथ एक सॉन्ग है तो इज, अ स्वीट सॉन्ग इज नॉट की जगह नॉट, क्योंकि नेगेटिव, सिंग सेंग सम, मेरी वीडियो इरेगुलर वर्ब्स की याद है, बहुत टाइम हो गया, भूल मत जाना, इरेगुलर वर्ब्स से मैंने ये वाली वर्ब्स ली थी आपकी, सिंग सेंग सम काफी तरह की ली थी, तो आप मेरी वीडियो में जाइए अगर आपको ये संग समझ नहीं आ रहा। इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है वर्ब के नाम से, और उसमें मैंने स्टैटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, हर तरह की वर्ब डाली। अ स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग बाय सीता, ये हो गया आपका। दैट कारपेंटर मेड अ चेयर, कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, एक कुर्सी कारपेंटर के द्वारा बनाई गई, तो सबसे पहले टेंस अगे पास्ट इंडेफिनिट, चलिए एक और बार और आ गया, कर लेते हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह आएगा अ चेयर, हेल्पिंग वर्ब वॉज क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, और इसके बाद मेड, मेड ही होती है थर्ड फॉर्म भी, बाय द बॉस, सबसे सिंपल दे दिया ये तो, कोई झंझट ही ना सब्जेक्टिव केस का ना ऑब्जेक्टिव केस का, कोई चक्कर नहीं इसमें। ठीक है, विल ही गिव यू सम पेन, क्या वह तुम्हें कुछ पेन देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉइस में, तो ठीक है, सबसे पहले विल का विल, विल वी होती है, लेकिन इंटरोगेटिव में जैसे यह सब्जेक्ट के बाद सेकंड पार्ट आता है जिस भी टेंस में होता है, ऐसी दो पार्ट में पैसिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसका जो सेकंड वाला पार्ट आएगा वो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद, तो विल भी एक साथ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो विल, विल के बाद ऑब्जेक्ट, अच्छा इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू और सम पेन, तो मैंने क्या बताया जो मेन वर्ब के पास वाला है उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो पहले यू ले लेते हैं, यू वाला, यू का तो यू ही रहता है केस, कोई झंझट नहीं है। विल यू बी, अब इसके बाद मेन वर्ब गिविन, ये हो गया विल यू बी गिविन, जो पार्ट है सेकंड
वाला ऑब्जेक्ट वो एज इट इज लिख दो, बस इसमें कुछ नहीं करना। सम पेंस ही का क्या हो जाएगा यहां पर, बाय क्या वह तुम्हें कुछ पेन देगा, क्या तुम्हें कुछ पेन दिए जाएंगे, जाएंगे उसके द्वारा, इसका मतलब ये हो गया विल यू बी गिवन सम पेन्स बाय हिम। ठीक है, दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे। अब ये क्या है, फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट, बहुत सिंपल है, अफर्मेटिव में बस बिल वी आ जाता है और थर्ड फॉर्म तो है, ये से बताने की जरूरत नहीं है समझ में। तो दीज बॉयज, अरे ये मैम क्या लिख रही है, गलत लिख दिया, तो कैसे स्टार्ट करूं मैं तो भूल गई, कहा से कहा इसमें ऑब्जेक्ट, अच्छा है क्या, ठीक है ये सच में भूल गई। चलिए नहीं भूले भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अच्छा किस किस बच्चों ने दीज बॉयज अपना सोच लिया था, चलो लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं सोचा था ना, गुड, ऑब्जेक्ट आ फुटबॉल मैच, इसके बाद फॉर्म विल बी, ये एक साथ आ जाएगा फॉर्मेटिव में, उनको कोई अलग नहीं कर सकता हम यहां, विल बी इसके बाद मेन व प्लेट बाय दीज बॉयज हो गया, ऑन मंडे एज इट इज ऐसा बचा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सॉल्यूशन मिल गए और आई होप आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, फिर भी अगर हो जाती है, अभी आप बिगनर्स हो पैसिव वॉइस में, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए रूल्स। ठीक है, तो विल मीट यू इन दैट सेक्शन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।